वो बेचारे यहाँ पे क्या चल रहा है? अनाया यहाँ पे क्या चल रहा है अचानक से? मैं तो अभी उठा हूँ यहाँ पे अच्छे खेलने, अच्छे खेलने स्टार्ट हो गए यहाँ पे सारे। अनाया की दोस्त आई है और यहाँ पे खेल, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं मछली आपके। और बाकी क्या कहते हैं इनका टीचर है 7 बजे तो ये लोग आएंगे। तो मम्मा ज़रा फ्रेश होने के लिए गई भी हैं और एज़ यूजुअल मासी नहीं आई, वो भी पता नहीं विदाउट द रीज़न आपके, क्योंकि अभी घर भी पहला है तो हमें ये समझना पड़ेगा सब। और मैं भी काम करवा दूँ, जोएब जा रहा है ज़रा सामान लेने, तो मम्मा हैं, मम्मा के साथ काम करवाता हूँ मैं। इस वक्त देख सकते हैं अभी ना दोपहर की कोई 3 बज रहे हैं, 3 बजे का वेदर बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त, मतलब धूप नहीं है लेकिन बादल आए हैं, तो माइट भी लेट भी हो सकती है, बट इस वक्त ना सर्दी चल रही है दोबारा, लगता है सर्दी का कमबैक आ गया इधर। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम लोग तो भाग ही गए। और एज़ यूजुअल ये नीचे लेके आ गए मुझे, मुझे पता था कि इनका नीचे का सीन बनेगा, लेकिन अभी 3 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं शाम के, और शाम के नहीं बल्कि दोपहर के। और यहाँ पे पानी पता नहीं किस वजह से आया हुआ, टीचर भी है थोड़ा। ऊपर ऊपर तो वेदर अपडेट यहाँ पे देना चाहता हूँ। शाम के अभी कोई ना 5 बज रहे हैं और यहाँ पे ना बादल आए हैं इस वक्त, मे बी लिटिल बुंदा बांदी भी हो सकती है, हवाएं भी चल सकती है, कुछ नहीं पता। यहाँ पे कबूतर घूम रहा है, पता नहीं इसमें क्या हुआ है यहाँ पे, अभी मुझे नजर आ रहा है क्या इसकी ना, मुझे हालत सही नहीं लग रही, इधर बैठा हुआ बस बोल नहीं रहा ये। मम्मा एज यूजुअल काम में लग गई हैं और आज वो नहीं आई। तो मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है ना इन दोनों के ऊपर कि एक तो एक दूसरी ने भी छुट्टी और उसके बाद रमजान अब सर पे, और 5 दिन हो गए तमाशा चलते हुए, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। क्या है ये धनिया का है? धनिया है ना सर? हाँ नजर आ रहे हैं पूरा। तो मम्मा यहाँ पे आप क्या बना रही खाने में? राजमा रेड बीन्स और यहाँ पे आलू, आलू की भुजिया भी है साथ में। तो ये देखें यहाँ पे ये कौन है, ये हमारा नया पिजन है और इस ये बेबी है छोटा सा उसका। तो बादल यहाँ पे दोबारा आ गए बारिश के। और अजान भी हो रही है। तो यहाँ पे ये दो गुंडे बैठे हैं साइकिल साइकिल, आपने कार्टून देखा होगा, और ये डरा रहे हैं इंसान को, इनका खाना वाना ये गिरा कर जा चुके, और ये फट्टू साहब बैठे हुए डरते रहते हैं। एक घुमा के तो छांटा उसको, डरते क्यों तुम? बहुत डरपोक आदमी है ये, बिल्कुल बेकार, सुन रहे कान खड़े करके क्या मैं इसकी इज्जत कर रही हूँ यूट्यूब फैमिली के सामने। अच्छा नाराज नहीं हो? नाराज नहीं हो यार, नाराज क्यों हो तुम? नाराज होकर खिचड़ी खानी शुरू कर दी, ये सही। यहाँ पे ना बहुत अच्छे बादल आए हुए हैं और आज प्रोडिक्शन तो है कि कुछ हल्की फुल्की जो है बारिश हो सकती है, देखते हैं क्या होता है। और देखिए मेरे पौधे सूखे हुए हैं और बस आजकल मैं बहुत ज़्यादा फंसी हुई हूँ। पानी तो मैं इनको दे रही हूँ लेकिन अभी जो है थोड़ा सा पानी इनको मैं कम दे रही हूँ, क्योंकि ओवर वाटरिंग भी होती है ना तो उसकी वजह से भी पौधा ख़राब हो जाता है। वैसे अब जो है नए पत्ते आएंगे तो इनको तोड़ना है, इनकी कटिंग ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये पीले पत्ते नहीं गिरेंगे ना तो नए पत्ते नहीं आएंगे। तो अब इसका सीज़न जो है शुरू हो रहा है तो नए पत्ते भी आएंगे और फ्लावर्स भी आएंगे इसमें, येलो कलर के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं इसके अंदर। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और मैं तो यकीन करें परेशान हो गई हूँ मासियों को रख कर ही ना, क्योंकि फ़ायदा कुछ है नहीं, पैसे भी इतने इतने पैसे जाते हैं और उसके बाद आप अनकंफर्टेबल इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इनके चक्कर में जो है पूरा दिन घर जो है वो डिस्टर्ब रहता है, और इतना ज़्यादा मैं पॉज रहती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अब पिछले कोई फ्राइडे से ही तमाशा चल रहा है और आज तो दोनों ही नहीं आई,
तो अब मैं अब घर के काम निपटाऊँ या मैं बाहर के काम निपटाऊँ या मैं अपनी चीज़ें देखूँ, और रमज़ान से पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करने की होती हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से जो है ये तमाशा चल रहा है और बस परेशान हो गई हूँ। सोच रही हूँ कि अब कोई एक लड़की रख लूँ जो पूरा दिन हो साथ जो काम करे, क्योंकि फ़ायदा नहीं है इस तरह दो दो लोगों को रखने का, और जब वो आपको जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, इवन बताने के भी रवादार नहीं है कि एक कॉल करके बता दें कि भाई क्या मसला है, क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने भी कॉल नहीं की क्योंकि जब उनको तमीज़ नहीं है तो मुझे क्या ज़रूरत है पूछने की। तो बहरहाल काम करने की तो हमें आदत है, लेकिन ये कि कुछ ज़्यादा हो गया इस बार। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे पॉट्स रखे थे ना, उसमें सब में निकल आया है विद्रा, ये देखें आपके सामने, और कुछ में निकल रहा है। इसको मैंने कवर करके रखा था इसलिए ये बच गए, और इसमें अभी तक कुछ नहीं निकला है क्योंकि ऊपर वाले जो थे वो तो जुबैदा ने फुल पानी भर दिया था उनमें, तो वो तो सारे मेरे सीड्स ख़राब कर दिए उसने, क्योंकि इनमें कम से कम पानी डालना होता है, उनको कवर करके रखना होता है, तो वो उन्होंने साहिबा ने पानी पूरा भर दिया था उसमें, उस वजह से वो तो ख़राब हो गए। इसमें भी काफ़ी निकले हैं, लेकिन ये मैंने तुलसी लगाई थी तो तुलसी यहाँ पे लग गई है, और इसमें देखें इसमें तो फ्लावर भी आए हैं, इस वाली बेल में पर्पल कलर के फ्लावर्स आए हैं, तो ये भी तेज़ी से ग्रो होती है। तो बस पानी आजकल मैं इनको कम ही डाल रही हूँ, और गुची ने खूब सारा गंद फैलाया हुआ मेरे लिए, मैं सफाई करूँगी धुलाई करूँगी यहाँ की। आ गए तुम लोग खेलना शुरू? अनाया शर्ट चेंज करनी है, आपने सारा शोरबा गिराया इसके ऊपर सालन। तो ये बुगन वाली अभी हैप्पी है और बिल्कुल ये हिला नहीं है, यहाँ से चल रहा है। यहाँ पे जो पुदीने की डंडियाँ मैंने लगाई थी वो देखें लग गई हैं, और उसके अंदर पुदीने की नई खोखलियाँ आ रही हैं सारी। तो खाना हमारा फाइनली यहाँ पे रेडी हो गया, तो यहाँ पे आपके क्या कहते हैं राजमा बीन्स, साथ में वगारी राइस, आपके क्या कहते हैं मूली आलू की भुजिया, और साथ में पकौड़े। मैं इसके पेट में बुदबुदी कर लूंगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। और अमित तुम बात सुनो, तुम मैं एक और सवाल पूछती हूँ, रोहन रोहन तुम्हें डराएगा तो तुम उसको कैसे डराओगे? उसको ना बहुत अच्छी चीज बोलो ना, फिर वो मुझे डराएगा नहीं, एक बहुत अच्छी बात बोलूंगा तुम्हें। थैंक्स वाइप दे दो मुझे, सही से लेटो अनाया, सही से लेट जाओ, ये ओढ़ लो इधर आओ, ये क्विल्ट है, ओढ़ो, उठो उठो। अच्छे लगा भाई अब्दुल राफिक ना, इतिहास की रसीदें लेके वो बना था। अच्छा सूची आज जो है बाहर बैठा हुआ है क्योंकि ज़्यादा ठंड नहीं है, और इसकी चादर बिछाई भी है, ये खेलता है रात को भी ना, जरा ठंड होगी तो मैं उठा लूँगी। मम्मा यहाँ पे आपने क्या बनाया? पालक गोश्त देखने में ऐसे ही लग रहा है, और यहाँ पे रोटी भी रेडी हो गई हमारी, और बस पालक गोश्त भी अपने लाल है। पालक गोश्त जो है वो रेडी है और धुआं उठ रहा है, मैं इन लोगों को बुला रही हूँ लेकिन ये नहीं सुन रहा। आ गया मैं तो आ गया ना। मुबारक हो। और ये रेड बीन्स मैंने राजमा राइस के साथ बनाए थे तो वो भी रखे हैं, बस खाना शुरू करते हैं। आ जाओ चलो। क्लासेस भी निकाल लो। तो वेलकम बैक, कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजरा आप लोगों का आज का दिन? तो बस अब मैं फ्री हो गई थी, और अपने व्लॉग को एंड करने से पहले आपको पता है कि मैं अपना रिएक्शन और रिव्यूज़ जो आज के व्लॉग्स होते हैं उनके ऊपर ज़रूर देती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स हम यहाँ पे मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं,
तो ये हमारा राइट है कि जो हम फील करते हैं वो हम ज़रूर कहें। पिछले दो दिन से जो है एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी और न्यूज़ चैनल्स पे भी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑल सोशल मीडिया साइट्स जो हैं, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर और टिकटॉक वगैरह, इन सबको जो है वो अनकरीब बैन कर दिया जाएगा और पाकिस्तान में इनको ऑफ कर दिया जाएगा। तो और उसके पीछे रीज़न भी यही है कि आपको पता है कि जिस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे होती हैं और जिस तरह की मिसकम्युनिकेट किया जाता है, जिस तरह अगर एक न्यूज़ आती है तो उसके 700-800 वर्जन आ जाते हैं, तो आपको ये नहीं समझ आता है कि आपको किस पे बिलीव करना है और किस पे नहीं करना। तो इस वजह से जो है रूमर्स भी ज़्यादा फैलती हैं, और उसके अलावा जब दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे होते हैं तो वो भी एक दूसरे के हवाले से जिस तरह की बातें करते हैं। तो इस चीज़ को ना मद्देनज़र रखते हुए तजवीज़ पेश की गई है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि ऑफ़ कोर्स डिजिटल क्रिएटर और सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी तो बटर ब्रेड है, और ऑफ़ कोर्स हमारी यूथ को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी हम सबके लिए बहुत अच्छी है अगर हम इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें। आपको पता है हमारी आवाम तो सबसे पहले नेगेटिव ट्राई करती है और उसके बाद फिर वो कहीं पॉजिटिव के ऊपर आती है। तो हमारी तो दुआ ये है कि ये सारी चीज़ें चलती रहें, क्योंकि ये एक बेटर चीज़ है और हर इंसान को हक है अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हर चीज़ के ऊपर, और एक लिमिट के अंदर हम वो कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, बस थोड़ा सा इनको स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए, क्योंकि बंद कर देना तो कोई हल नहीं हुआ ना, क्योंकि आप आवाज़ को दबा नहीं सकते, लोग फिर किसी और उसमें आपके सामने आते हैं। तो बेटर ये होता है कि आप उनको बोलने दें, लेकिन जहां आपको लगे कि वो बाउंड्रीज अपनी जो है पार कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं, तो आप उसको उन चैनल्स को ही डिलीट करें। कुछ बात कर लेते हैं मेरासी फैमिली पे। जैसे कि आपने देखा कि सारे सराइकी जो क्या कहते हैं स्टेज डांसर्स और सराइकी मूवीज़ के जो फ्लॉप हीरोज़ हैं वो सब इस्लामाबाद में इस वक्त मुकीम हैं, और जो आपकी यूट्यूबर हैं उन सब की खिदमत कर रही हैं और बड़ा प्राउड फील कर रही हैं। उनके दरमियान अपने आप को कॉइन बनी हुई हैं वो, और जो है अपने हेटर्स को भी गले लगा रही हैं, उन हेटर्स को गले लगा रहे हैं जो कि सबसे पहला कंकर जिस हेटर ने मारा और जिसने आपकी फैमिली के ऊपर इतनी बड़ी बात की, आप उसको गले भी लगा रहे हैं प्लस उसका फ़ोन नंबर भी ले रहे हैं। तो ये लोग जो है ना वो मिसाली लोग हैं। अभी तो आगे भी आप देखिएगा ये किस किस को गले लगाएंगे, क्योंकि ये आप लोग हैं जो पागल बन रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि ये यूट्यूब पर जो है लड़ रहे हैं। पीछे ये सब नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, और ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ड्रामेबाजी की जा रही है, और ड्रामेबाजी से ऑफ कोर्स उनको पैसे आ रहे हैं तो वो क्यों नहीं करेंगे, लेकिन वैसे सब एक ही हैं, तो कोई ऊपर से नहीं उतरा हुआ, सब एक ही मखलूक है और एक ही नस्ल है। तो आप बेफिक्र हैं, आप जितनी भी सपोर्ट कर दें उनको इससे कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका पैटर्न है और उन्होंने इसको इस तरह लेके चलना है। हम कुछ बात कर लेते हैं एक सपोट्री के ऊपर जो कि आई थी लाहौर से, और बहुत बड़ी सपोट्री है इनकी। इनफैक्ट ये चैनल बेसिकली सपोट्री का चैनल जो अब तक जहाँ भी ग्रो किया है उसमें सबसे बड़ा जो उनका हाथ है वो बड़ी यूट्यूबर साहिबा का ही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो है वो चैनल ग्रो हुआ है और यहाँ तक वो पहुँची हैं, क्योंकि अगर वो फसाद ना करती तो फिर मज़ा ही नहीं आता ना, मतलब उनका फसाद तो हमेशा इन्वॉल्व रहा है हर चीज़ के अंदर। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने तो अपनी बेटी को उस घर भेज दिया जिस घर के अंदर गाड़ियाँ साफ़ करने वाले और मैकेनिक्स और पता नहीं कौन कौन मौजूद हैं इस वक्त वहाँ पे, दुनिया के कंट्रोवर्शियल शख्सियात इस्लामाबाद में वहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ पे अपनी बेटी को उन्होंने भेज दिया बगैर किसी अटेंडेंस के। मुझे तो हैरत होती है कि लोग ऐसे कैसे पागल दीवाने हो जाते हैं। हम तो अपने बच्चे को
कभी अपनी नज़रों से दूर नहीं करते और किस तरह लोग किसी को के घर जो है अपने बच्चों को भेज देते हैं। और मेरे ख्याल में ये वही मोहतरमा हैं जिनके घर पे इनकी बच्चियां जब गई थी तो इन्होंने कहा था कि इनके सर में जुएं हैं और इनकी काफ़ी रिकॉर्डिंग्स पायल मलिक के साथ भी लीक हुई थी जिसके अंदर ये इसी किस्म की गुफ्तगू कर रही थी। तो बेसिकली ये ख़ुद भी जो है वो ऐसे ही हैं और बस थोड़ा लिपस्टिक पाउडर ने इनको थोड़ा जो है ना वो मार्केट में ये डिफरेंट बन के आती हैं, वरना पार्टी तो इनकी भी सेम ही है। आखिर में आपने देखा नहीं था वो लुडी जो है मीटअप में लुडी लगाई जा रही थी, तो खैर क्या कह सकते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी मैंटेलिटी है। और मुझे तो लग रहा था मैं कोई सराय की शो देख रही हूँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई भाई, जब पूरा ख़ानदान ही एक जैसा है और जब मतलब एक ऐसे बंदे को गले लगाया जा सकता है जिसने सारा कंकर फेंका, पूरे सोशल मीडिया पे बदनामी की, तो फिर डीडी का क्या कसूर है? डीडी ने क्या किया है भाई? डीडी ने तो मेरे ख्याल में सबसे बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा सपोर्ट की डीडी ने, उसने तो अपनी फैमिली से के अगेंस्ट जाकर सबसे ज़्यादा सपोर्ट की। और जो चीज़ मानने वाली है, हर बंदा जो है ये जानता है कि डीडी ने बहुत सपोर्ट की। जो भी उसके पर्सनल मैटर हैं वो उसके अपने साथ हैं, ठीक है, उसने किसी के साथ, और मुझे तो वो हमेशा बहुत ही रिस्पेक्ट देता है। मैं क्यों गलत बात करूं? ना कभी दीदी ने मेरे साथ गलत किया, ना कभी मेरे साथ नैना ने गलत किया, ना मेरे साथ रुबीना बाजी ने कभी गलत किया, और तीनों को ही मैं पर्सनली जानती हूं। तो जब किसी ने मेरे साथ गलत नहीं किया तो मैं क्यों उनके ख़िलाफ़ कोई बात करूं? और जब मैं किसी को जानती हूं कि कोई मुझसे अच्छे तरीके से मिला है और मुझे रिस्पेक्ट दी है, मैंने उनको रिस्पेक्ट दी है। लेकिन दीदी को क्यों बेचारे को जो है इस वक्त अलग करके डाल दिया गया है, मेरी समझ से ज़रा ये चीज़ बाहर है। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े हेटर आपने घर में बिठा लिए, उनको घर में स्टे करा लिया, तो दीदी का क्या कसूर था? हाँ, ये और बात है कि वो बाबर की तरह डिप्लोमेटिक नहीं है, ये उसके अंदर सब जो भी है वो स्ट्रेट है। और आप लोग डीडी को जो भी कहते हो, लेकिन जब पर्सनली आप उससे मिलेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ज़बान उसकी जैसी भी है लेकिन वो बंदा बड़ा नाइस है और अच्छे तरीके से वो मिलता है, कम अज़ कम इनकी तरह दोगला नहीं है। तो एनीवे, मुझे तो खैर किसी से कुछ नहीं लेना, लेकिन मुझे ये ज़रूर पूछना था कि भाई डीडी को जो है क्यों कट ऑफ करके डाल दिया गया है, या डीडी के पास ऐसा क्या है जो डीडी से इतनी परेशानी है और डीडी के पीछे सब पड़े हुए हैं? आप तो उसके घर को नहीं चला रहे, वो अपने दोनों घरों को खुद ही मैनेज कर रहा है, आप लोग तो कोई भी कुछ नहीं दे रहे ना उसको, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है उससे? बहरहाल एनीवे, खैर इन्होंने अपना जहर बहुत अच्छे तरीके से फैला दिया है और जो फीमेल हैं उनको अपने जहर के अंदर इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर लिया है, उनको अपने साथ इतना ऑक्यूपाई कर लिया है कि शायद उनको अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स और अपने गोल्स तो याद ही नहीं। उनकी ज़िंदगी का मकसद और गोल सिर्फ इनसे मिलना ही था, उसके अलावा उनकी ज़िंदगी में शायद कोई भी प्रॉब्लम्स मसले नहीं है। और शायद ये पीरनी साहिबा सारे मसले उनके हल कर देंगी या इनके मिलने से उनके मसले हल हो जाएंगे। तो ये तो हम सब की मैंटालिटी है, खैर हम सब की तो नहीं कह सकते, ये सिर्फ उन लोगों की मैंटालिटी है जो खुद कुछ नहीं कर सकते लेकिन दूसरों से वो इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि वो समझ लेते हैं कि शायद ये किसी और प्लैनेट से उतरे हैं। भाई ये भी वही हैं, ये भी वही चंगड़ हैं, बस ये है कि इनको थोड़ा जो है अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है, रिस्पेक्ट दे दी है। तो वो एक हदीस है ना कि एक ज़माना आएगा कि जब नाचने गाने वालियों को इज़्ज़त दी जाएगी और शरीफ और शर्फा लोग जो होंगे ना वो दबक के कोनों में बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इनके गन तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ये वही ज़माना है कि इस वक्त नाचने गाने वालियों को बहुत इज़्ज़त दी जाती है, बहुत मुकाम दिया जाता है, उनके आगे पीछे लोग ऐसे फिरते हैं जैसे पत्नी उनसे उनको क्या फैज़ है। एनीवे, उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।